नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धार्मिक दृष्टि चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन हमने जीवन के सभी पहलुओं को सच्ची कहानियों और बेहतरीन उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बिना छोड़े पूरी वीडियो देखें। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर आप सचमुच अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे उतना ही चालाक और बेईमान लोगों द्वारा डरा दिए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन समय नहीं। इसलिए अपना समय बर्बाद ना करें और अपने जीवन को बदलने के लिए अभी से शुरुआत करें। अपने विचारों को बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। मेहनत और समर्पण से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और एक खुशहाल और अधिक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। हाँ, यह सच है कि समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों पर भरोसा करें जो निभाने के लायक हों। कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे दिया करते हैं, लेकिन सच्चे लोगों पर ही विश्वास रखना चाहिए। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास रखिए जितना औषधियों पर रखते हैं। बेशक कुछ लोग खराब होंगे, लेकिन वे आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। महान वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा वह कभी जिंदगी में हजार दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश करते रहना जरूरी है। अपने काम पर फोकस करो तो ऐसा कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। यहां कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। क्षमा करना सीखें, क्रोध और नाराजगी को अपने अंदर न रखें, दूसरों को मौका दें। हर कोई गलती करता है, अपने आप को प्यार करें। जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आप दूसरों से प्यार करने में सक्षम होते हैं। दूसरों के प्रति दयालु रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार करता हूं। आप लोग बस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाएं, ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि रिश्तों की उलझनों में फंसे रहकर हम अक्सर अपनी खुशियां गंवा देते हैं। पर याद रखना जरूरी है कि असली खुशी तो उसी को मिलती है जो अपनी मुश्किलों का डटकर सामना करता है। खतरनाक वो नहीं जो अपनी कमियां छिपाता है, असल खतरा तो उससे है जो उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करता। बुरे वक्त को कोई नहीं बुलाता, उसे मेहनत से अच्छे वक्त को लाना होता है। और जब भी बुरा वक्त आता है तो अपने पराए का फर्क साफ दिखा देता है। अपना मन साफ रखो, दूसरों की गलतियां में निकालने के लिए तो बहुत से लोग मौजूद हैं। जिंदगी में कभी कभी दिमाग से नहीं दिल की भी सुनना चाहिए, वो खुद ही रास्ता दिखाने लगेगी। सफलता उसी के कदम चूमती है जो दूसरों में नहीं खुद में कमी ढूंढने का हौसला रखता है। जी हाँ, सफल होने के लिए कभी कभी हारना जरूरी है, लेकिन हार के बाद फिर से कोशिश करना और भी जरूरी है। अपने सपनों की आग को ख्वाहिशों के रंग में और भड़काओ, मेहनत से जुट जाओ, क्योंकि उसी में तुम्हारे सम्मान का ताज छुपा है। जो चीज नामुमकिन लगती है उसे मुमकिन बनाना ही असली मजा है। जिंदगी में खुशियां उसी के हिस्से में होती हैं जो हार मानना नहीं जानता। मेहनत और भरोसे के साथ चलने वालों को ही सफलता मिलती है, और जिन्हें सफलता मिलती है उनकी दुनिया ही बदल जाती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। किसी को भी बिना कठिनाई के सफलता नहीं मिलती। जो लोग असफलता के बाद भी कोशिश करते रहते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है। दुनिया उन लोगों को बेवकूफ कहती थी जिन्होंने अपने काम से मिसाल कायम की है। जो लोग समय के साथ चलना जानते हैं वही दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। अपने ऊपर इतना भरोसा रखें कि आप हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकें। समय की कीमत समझने के लिए पहले हमें इसे बर्बाद करना होगा। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे, और अगर तब आप कुछ बनना चाहेंगे तो सोचने का समय आपके पास नहीं होगा।
अगर आप अपनी कठिनाइयों को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपने सपने पूरे करने के लिए समय का इस्तेमाल सही से करें, न कि बहाने ढूंढें। इस दुनिया ने उसी को सलाम किया है जिसने सफलता हासिल की है। अगर दुनिया ये भी तय करेगी कि आपका भविष्य क्या होगा तो आप क्या करेंगे? जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, बल्कि वे चीजों को अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में रहने वाली अमीना एक प्रतिभाशाली कलाकार थी। बचपन से ही उनके हाथों से जादू निकलता था। ज्वलंत रंगों और खूबसूरत चित्रों के माध्यम से उनकी कल्पना साकार होती थी। हालांकि अमीना का जुनून गरीबी के साए में दबा हुआ था। उनके माता पिता कड़ी मेहनत करने वाले किसान कला को विलासिता मानते थे और अमीना को अपने खेतों में मदद करने के लिए प्रेरित करते थे। इस निराशा के बावजूद अमीना ने हार नहीं मानी। वह हर खाली पल का उपयोग रंगीन पत्थरों, मिट्टी या यहां तक कि चारकोल से भी कलाकृतियां बनाने में करती थी। गांव के बुजुर्ग कलाकार दादाजी ने अमीना की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने अमीना को सिखाया कि कैसे प्राकृतिक चीजों से रंग बनाएं और विभिन्न कला तकनीकों का अभ्यास कराया। दादाजी के मार्गदर्शन में अमीना की कला निखरती गई। एक दिन एक प्रसिद्ध कला समीक्षक गांव की यात्रा पर आए। दादाजी ने चुपके से अमीना की कुछ बेहतरीन कृतियों को प्रदर्शित किया। समीक्षक कलाकृतियों से मंत्रमुग्ध हो गए और तुरंत अमीना से मिलने की इच्छा जताई। अमीना, जो अभी भी खुद को एक साधारण ग्रामीण लड़की मानती थी, अवाक रह गई। समीक्षक ने अमीना की कला की प्रशंसा की और उन्हें शहर में एक कला प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यह अमीना के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ इस अवसर को अपना लिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और नई तकनीकों को सीखा। प्रदर्शनी में अमीना की कला ने सबका ध्यान खींचा। उनकी कलाकृतियों ने ग्रामीण जीवन की सुंदरता और कठिनाइयों को बखूबी से दर्शाया। कई कला समीक्षकों और गैलरी मालिकों ने उनसे संपर्क किया। धीरे धीरे अमीना एक सफल कलाकार बन गई। उनकी कला ने दुनिया भर में प्रदर्शनियां की और कई सम्मान प्राप्त किए। उन्होंने गरीबी से खुद को ऊपर उठाया और अपने परिवार का समर्थन किया। अमीना की कहानी सकारात्मक सोच की ताकत का एक प्रमाण है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने जुनून का पीछा किया। जिंदगी की दौड़ में सफलता का ताज हासिल करना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन ये मुकुट आसानी से नहीं मिलता। जीत के रास्ते पर कड़ी मेहनत ही वो चाबी है जो सफलता के द्वार खोलती है। मगर सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, नजरिया भी नया होना चाहिए। रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए समस्याओं को नए अंदाज में देखना जरूरी है। यही नया दृष्टिकोण आपको भीड़ से अलग खड़ा कर के सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करेगा। सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के मन में अलग अलग अर्थ रखता है। किसी के लिए यह एक सफल करियर हो सकता है तो किसी के लिए यह एक खुशहाल जीवन। लेकिन सफलता पाने का एकमात्र तरीका क्या है? मेहनत। यह सच है कि सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा और उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। नया दृष्टिकोण। सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। आपको चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। अनुभव। सफलता अनुभव से आती है। आप जितना अधिक अनुभव करेंगे, आप उतने ही सफल होंगे। सफलता और असफलता। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। सफलता आपको दुनिया से परिचित करवाती है, जबकि असफलता आपको दुनिया का परिचय करवाती है। हार मत मानो। यदि आप गिर जाते हैं तो हार मत मानो। सफल लोग हार नहीं मानते, वे फिर से उठते हैं और कोशिश करते रहते हैं। अच्छे मित्र और शत्रु। जीवन में सफल होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है। अच्छे शत्रु आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और उनमें सुधार करने में मदद करते हैं। याद रखें, सफलता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। यह आपके द्वारा किए गए प्रयासों और आपके द्वारा सीखे गए अनुभवों के बारे में है। तो आगे बढ़ें, कड़ी मेहनत करें और अपने सपनों को साकार करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां दो दोस्त रहते थे। उनका नाम राजू और श्याम था। दोनों दोस्त बहुत अच्छे थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन राजू और श्याम जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, तभी उन्हें एक अजनबी मिला। अजनबी ने उन्हें बताया
कि वह एक जादूगर है और वह उन्हें एक वरदान देना चाहता है। राजू और श्याम बहुत खुश हुए। उन्होंने जादूगर से पूछा कि क्या वह उन्हें अमीर बना सकता है। जादूगर मुस्कुराया और कहने लगा, मैं तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें सफल होने का रास्ता बता सकता हूं। जादूगर ने उन्हें बताया कि सफलता का रास्ता किसी और के पास नहीं है, बल्कि खुद के अंदर है। यह किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि खुद के प्रयासों से प्राप्त किया जा सकता है। जादूगर ने उन्हें बताया कि सफलता के लिए दो चीजें जरूरी हैं, कड़ी मेहनत और नया दृष्टिकोण। कड़ी मेहनत का मतलब है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना। इसका मतलब है उन चीजों को करना जो आसान नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है। इसका मतलब है कभी हार ना मानना, भले ही चीजें मुश्किल हों। नया दृष्टिकोण का मतलब है चीजों को एक नए तरीके से देखना। इसका मतलब है समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजना। इसका मतलब है डिब्बे के बाहर सोचना। जादूगर ने उन्हें बताया कि अगर वे इन दो चीजों का पालन करेंगे तो वे निश्चित रूप से सफल होंगे। राजू और श्याम ने जादूगर की बात मान ली। उन्होंने कड़ी मेहनत की और हमेशा चीजों को एक नए तरीके से देखने की कोशिश की। कुछ सालों बाद राजू और श्याम दोनों बहुत सफल हो गए। राजू एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया और श्याम एक सफल व्यापारी बन गया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय जादूगर को दिया, जिसने उन्हें सफलता का रास्ता दिखाया था। कहानी की नीति यह है कि सफलता किसी और के पास नहीं है, बल्कि खुद के अंदर है। यह किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि खुद के प्रयासों से प्राप्त की जा सकती है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और हमेशा चीजों को एक नए तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। हमेशा चुनौतियों का सामना करना चाहिए। यह आपको सीखने और बढ़ने में मदद करेगा और यह आपको अधिक लचीला बना देगा। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आप अपने बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में जानते हैं। आप यह भी सीखते हैं कि समस्याओं को कैसे हल करना है और कठिन स्थितियों से कैसे निपटना है। एक अच्छी शिक्षा आपको जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान प्रदान कर सकती है। यह आपको गंभीर रूप से सोचने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा। एक अच्छी शिक्षा आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने में भी मदद कर सकती है। जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, तो आप अपने विचारों और बुद्धि को अपने पीछे छोड़ सकते हैं। यह लिखने, बोलने या पढ़ाने के माध्यम से किया जा सकता है। जब आप अपने विचारों और बुद्धि को साझा करते हैं, तो आप दूसरों को सीखने और बढ़ने में मदद करते हैं। आप दुनिया को एक बेहतर जगह भी बना सकते हैं। सफल होने के लिए दूसरों की सुनना महत्वपूर्ण है। वे आपको मूल्यवान सलाह और प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। हालांकि अपने दिल का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी चीज के बारे में भावुक हैं, तो उसके लिए जाएं। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, हालांकि सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास लगाना। इसका मतलब है कि चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना। लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती है, इसके लिए समय, प्रयास और समर्पण लगता है। याद रखें, सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना चाहिए। आपको अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने काम में अपना दिल, दिमाग और आत्मा लगाना चाहिए। इसका मतलब है कि अपने काम के प्रति जुनूनी होना। इसका मतलब है कि हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। और इसका मतलब है कि कभी हार ना मानना। जितना कठिन संघर्ष, उतनी ही बड़ी सफलता। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको कठिन संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब है कि चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना। इसका मतलब है कि कभी हार न मानना। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अपने अनुभवों पर चिंतन करें और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए उनका उपयोग करें। जीवन एक अनुभव है जो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। यह खुशी, उदासी, प्यार, नुकसान
और हर चीज के बीच की सभी चीजों से भरा होता है। जीवन का कोई एक सही तरीका नहीं है और हर व्यक्ति को अपना रास्ता ढूंढना होगा। कुछ लोगों के लिए जीवन सफलता और उपलब्धि के बारे में है। वे अपने कैरियर, अपने रिश्ते या अपने व्यक्तिगत विकास में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरों के लिए जीवन अनुभव और खुशी के बारे में है। वे नई चीजों को आजमाने, नई जगहों की यात्रा करने और नए लोगों से मिलने की कोशिश कर सकते हैं। और अभी भी दूसरों के लिए जीवन दूसरों की मदद करने और दुनिया में बदलाव लाने के बारे में है। वे अपना समय स्वयं सेवा करने, दान करने या सामाजिक न्याय के लिए लड़ने में बिता सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में क्या महत्व देते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यह सब अनुभव के बारे में है। इसलिए जीवन को पूरी तरह से जें और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को गले लगाएं। जीवन एक मूल्यवान शिक्षक है और यदि हम ध्यान देने के लिए तैयार हैं तो यह हमें हर दिन मूल्यवान सबक सिखा सकता है। यहां कुछ सबक दिए गए हैं जो मैंने जीवन से सीखे हैं। हर कोई अलग है। दुनिया में कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं और यही वह है जो इसे इतना दिलचस्प बनाता है। दूसरों के बीच की समानताओं की सराहना करना और उनके मतभेदों को गले लगाना सीखें। परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है। जीवन लगातार बदल रहा है और हमें अनुकूलित करने में सक्षम होना चाहिए। परिवर्तन से डरो मत, इसे गले लगाओ। अपनी गलतियों से सीखें। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अपनी गलतियों को अपने ऊपर हावी न होने दें। दूसरों के प्रति दयालु रहें। आप कभी नहीं जानते कि कोई और क्या कर रहा है, इसीलिए दयालु रहना हमेशा बेहतर होता है। एक छोटा सा सहयोग का कार्य किसी के दिन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने सपनों का पीछा करो। चाहे आपके सपने कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो, उन्हें कभी न छोड़ें। कठोर परिश्रम और समर्पण के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सब्र एक ऐसा गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरने में मदद करता है। ये हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और असफलता से बचने में मदद करता है। सब्र के कई फायदे हैं। ये हमें अधिक लचीला बनाता है, हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है और हमें अधिक खुशी देता है। सब्र का अभ्यास करने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि छोटी छोटी चीजों में धैर्य रखा जाए, जैसे कि लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना या किसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय को स्वीकार करना। एक और तरीका यह है कि कठिन परिस्थितियों को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाए। सब्र एक ऐसा गुण है जिसे हर कोई विकसित कर सकता है। यह समय और अभ्यास लेता है, लेकिन यह इसके लायक है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी काम का नतीजा अच्छा होने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई काम करते वक्त गलतियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। ये हमें सफलता से दूर ले जा सकता है। धैर्य एक ताकत है। ये मुश्किल परिस्थिति में भी शांत और संतुलित रहने में मदद करता है। धैर्य रखने से हम बेहतर फैसले ले पाते हैं और कठिन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हमें यह विश्वास करना होगा कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। धैर्य रखने से हमारे लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। ये भी याद रखना चाहिए कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए समय और मेहनत लगती है। एक जंगल में एक तेज धावक हिरण रहता था। हिरण को अपने स्पीड पर बहुत घमंड था। वह अक्सर दूसरे जानवरों को अपनी रफ्तार दिखाकर डींग मारता रहता। एक दिन जंगल में अचानक शोर मचा। शेर शिकार की तलाश में था। जानवर इधर उधर भागने लगे। हिरण को लगा कि वह आसानी से शेर से दूर भाग जाएगा, लेकिन घमंड में उसने यह नहीं सोचा कि जंगल में सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। हिरण तो दौड़ पड़ा, पर जल्द ही एक झाड़ी में फंस गया। वह जितना जल्दी निकलने की कोशिश करता उतना ही फंसा हुआ जाता। इधर शेर उसकी आहट सुनकर उसकी तरफ आ रहा था। हिरण डर के मारे कांपने लगा। अचानक उसे एक बुद्धिमान कछुआ दिखाई दिया। हिरण ने उससे मदद की गुहार लगाई। कछुआ धीरे धीरे आया और हिरण को फंसा हुआ देखकर समझ गया। उसने धीरे से हिरण को शांत रहने को कहा और फिर अपने नाखूनों से धीरे धीरे झाड़ी को काटना शुरू किया। कुछ समय में ही हिरण झाड़ी से बाहर निकल आया। वह कछुए का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से भागने लगा। तभी शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर पास ही था। हिरण घबरा गया। कछुआ बोला, घबराओ मत, अभी रास्ता है।
कछुआ हिरण को एक संकरे गुफा के पास ले गया। हिरण के लिए तो गुफा काफी छोटी थी, लेकिन शेर के लिए बहुत तंग थी। हिरण गुफा के अंदर घुस गया और कछुए ने पत्तों से गुफा का मुंह ढक दिया। शेर गुस्से में आया और उसने गुफा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गुफा इतनी अच्छी तरह छिपी हुई थी कि शेर उसे ढूंढ नहीं पाया। थोड़ी देर में शेर वहां से चला गया। कुछ देर बाद कछुए ने धीरे से पत्तों को हटाया। हिरण बाहर निकला और उसने कछुए का फिर से शुक्रिया अदा किया। इस घटना से हिरण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि घमंड और जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं होता, मुश्किल परिस्थिति में धैर्य और सूझबूझ काम आती है। इसके बाद से हिरण ने कभी घमंड नहीं किया और हर काम सोच समझ कर करने लगा। आप खुद को माचिस की तिली की तरह कमजोर मत बनाइए जो जरा सी रगड़ से जल उठती है। इसके बजाय शांत सरोवर की तरह बने जिसमें कोई भी गर्म राख फेंक दे तो वो भी बुझ जाए। जहां कदर ना हो वहां खामोशी ही बेहतर है। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बात की कोई कदर नहीं होने वाली तो शांत रहना ही बेहतर है। अपनी बात व्यर्थ करना कोई फायदेमंद नहीं है। आपको सिर्फ एक बार जीने का मौका मिलता है, इसलिए इसे सही तरीके से जिएं। ऐसी जिंदगी जिएं जिसे आप पसंद करते हो और जिसे कभी भुला ना सकें। हमेशा सही काम करें भले ही वो आसान ना हो। आसान रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता है। किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो आपसे प्यार नहीं करता तो उसे जाने देना जरूरी है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने की कोशिश करना बेकार है जो आपसे प्यार नहीं करता। अगर प्यार करने वाला आप पर गुस्सा करना छोड़ देता है तो समझ जाइए कि आपने उसके दिल में अपनी जगह खो दी है। गुस्सा प्यार का ही एक इशारा है। जब कोई आप पर गुस्सा करना छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि उसने आपको छोड़ दिया है। दुख का मिलना या सुख का मिलना आपकी किस्मत की बात नहीं है। ऊपर वाला देता भी है और लेता भी है, इसलिए आप चाहे जिस हाल में हो शुक्रिया अदा करें। लोग गुम नहीं होते, वे बदल जाते हैं। ईश्वर को वे आंखें बहुत पसंद हैं जो उनकी यादों में रोई हों, जो अपने किए गए गुनाहों पर रोई हों, जो किसी का दिल दुखाकर रोई हों और जो किसी बुराई को ना देखना चाहती हों। एक स्वस्थ और खुशहाल बुजुर्ग से पूछा गया कि उनके सेहतमंद बुढ़ापे का क्या राज है। उनका जवाब था कि उन्होंने कभी गुस्से और नाराजगी को दिल में नहीं रखा, कभी खुद से आगे जाने वाले लोगों से नहीं जला और कभी किसी के नुकसान पर खुशी नहीं मनाई। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं, बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल कर रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपने भीतर एक बात जरूर देख लेना। सबका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत भूलो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जब हम अन्याय और गलतियों को माफ कर सकते हैं, लोगों में अच्छाई देख सकते हैं, तो जीवन आसान और सुखी हो जाता है। गुजर जाएगी ये जिंदगी, कभी खुद हंसो तो कभी लोगों को हंसा दो। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है ये जिंदगी का खेल, तेल खत्म और खेल खत्म। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिम्मेदारियों का बोझ ढोने वालों के पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता। हम लोग अक्सर यही सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी यह भी सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी एक अजीब चीज है। हम जो चाहते हैं वह कभी नहीं मिलता, जो मिलता है उसे हम कभी नहीं चाहते, जो खो देते हैं उसे याद करते हैं, जो मिल जाता है उसे संभाल नहीं पाते। दवा तब असर करती है जब वह जेब में नहीं बल्कि शरीर में जाती है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरने पर ही जीवन सफल होता है।
जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखता, मायने रखती है इसकी गहराई। जीवन का सबसे सही उपयोग इसे ऐसी चीज में लगाने में है जो इसके बाद भी हमेशा रहे। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक पौधा है, लेकिन उसके फल बहुत मीठे होते हैं। जब थक जाएं तो आराम कर लें, लेकिन हार कभी न माने। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां, असफलता, पराजय और अत्यंत प्रगति ही आपके जीवन को सार्थक बनाती हैं। गलतियां करते हुए बिताई गई जिंदगी न सिर्फ अधिक सामान्य है, बल्कि बिना कुछ किए हुए बिताई गई जिंदगी से अधिक उपयोगी भी है। जब तक हम ये समझ पाते हैं कि जीवन क्या है, तब तक इसका आधा हिस्सा खत्म हो चुका होता है। हमारे पास जीवन का सिर्फ एक सीमित अनुभव होता है और यह समय तेजी से बीत रहा है। इसलिए हमें इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए और हर पल का आनंद लेना सीखना चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा शरीर बदल सकता है, लेकिन हमारे दिल हमेशा बच्चों जैसे ही मासूम रहते हैं। हम खुशी और पूर्णता की तलाश में रहते हैं और यही तलाश हमें जीवन भर प्रेरित करती रहती है। किसी भी चीज के सच्चे मूल्य को समझने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि हमने उसे पाने के लिए कितना समय और प्रयास लगाया है। इसलिए उन चीजों को महत्व दें जिनके लिए आपने सबसे अधिक त्याग किया है। हर दिन की शुरुआत एक सकारात्मक दृष्टिकोण और एक आभारी दिल के साथ करें। अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहें और हमेशा बेहतर की उम्मीद रखें। याद रखें, रिश्ते नाजुक होते हैं। एक बार टूट जाने के बाद उन्हें फिर से जोड़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने रिश्तों को संभालें और उनका संजोना सीखें। जीवन को अपनी शर्तों पर जिए। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चिंता न करें। समय, विश्वास और सम्मान ये अनमोल हैं। एक बार खो जाने के बाद इन्हें वापस पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इन चीजों को संभालना और उनका सम्मान करना सीखें। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। यह आराम और सुविधा दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं। कठिनाइयों से डरें नहीं, उन्हें चुनौतियों के रूप में देखें और उन्हें पार करने के लिए काम करें। दूसरों के साथ विनम्रता और दया का व्यवहार करें। अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यह सही काम है। आपके पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। अपने भाग्य के स्वामी बनें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। हर पल का अधिकतम लाभ उठाएं और इसे यादगार बनाएं। मृत्यु से डरने की बजाय जीवन पर ध्यान दें। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। बस पल में जिएं। अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण का आनंद लेना सीखें। अमिता एक सफल व्यापारी दौलत की चमक में डूबी हुई थी, मगर उसकी आंखों में एक गहरा असंतोष छिपा था। उसे लगता था मानो जीवन उसे पीछे छोड़ रहा है। एक शाम समुद्र के किनारे टहलते हुए उसने एक वृद्ध मछुआरे को देखा। मछुआरे रेत पर खींची खूबसूरत आकृतियों को लहरें मिटाती देख मुस्कुरा रहा था। अमिता उसके पास गई और पूछा, आप इन खूबसूरत आकृतियों को बनाने में इतना समय लगाते हैं, फिर लहरें उन्हें मिटा देती हैं, तो फिर इसका क्या फायदा? मछुआरा हंसा और बोला, बेटी, ये रेत की धाराएं जीवन की तरह हैं। हम भी अपने सपनों को पूरा करने, रिश्ते बनाने और खुशियां बटोरने में समय लगाते हैं। ये सच है कि समय की लहरें सब कुछ मिटा देती हैं, पर इन क्षणभंगुर रचनाओं का सौंदर्य ही तो जीवन को अर्थ देता है। उसने आगे कहा, तुम सिर्फ मंजिल पर पहुंचने की फिक्र में हो। रास्ते के नजारे, हवाओं का स्पर्श, खुशियों के पल, तुम इन सबको भूल रही हो। जीवन एक यात्रा है अमिता, इस यात्रा का आनंद लो। अमिता ने सोचा, क्या वह सचमुच सिर्फ धन कमाने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि जीवन के असली सुखों को भूल गई थी? मछुआरे ने कहा, समय रेत की तरह है, एक बार फिसला तो वापस नहीं आता। इसे सार्थक कार्यों में लगाओ, प्रेम करो, हंसो, सीखो और दूसरों की मदद करो। मछुआरे के शब्दों ने अमिता के जीवन में एक तूफान ला दिया। उसने महसूस किया कि वह कितना भटक गई थी। उसने व्यापार के साथ साथ समाज सेवा में भी समय देना शुरू किया। वह बुजुर्गों की देखभाल करती और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करती। धीरे धीरे उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। कुछ साल बाद एक सफल उद्यमी और समाज सेवी के रूप में अमिता फिर से समुद्र के किनारे खड़ी थी। रेत पर लहरों का खेल देखते हुए उसे वह बूढ़ा मछुआरा याद आया। उसने महसूस किया कि मछुआरे ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सार सिखाया था।
जीवन एक रेत की धारा जैसा है, यह खूबसूरत है पर क्षणभंगुर। इसलिए इस यात्रा का हर पल जियो, सफलता के पीछे मत भागो, रास्ते का आनंद लो, प्रेम करो, हंसो, सीखो और दूसरों की मदद करो। यही सच्चा सुख है और यही जीवन का असली मकसद। इंसान कभी कभी लड़खड़ाता है, लेकिन कोशिश ना करने वाला जिंदगी भर लड़खड़ाता रहता है। जीवन एक खूबसूरत ख्वाब है जिसमें जीने की ललक होनी चाहिए। गम अपने आप खुशी में बदल जाएंगे अगर आपके पास मुस्कुराने की आदत है। चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटा सा दिया अंधेरे को चीर कर उजाला फैला देता है। उसी तरह जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। सभी को अपने जीवन को बदलने का अवसर मिलता है, लेकिन जीवन समय को बदलने के लिए नहीं मिलता है। चार पैसे कमाने में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चारपाई पर लेट जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा खुश रहना ही बेहतर है। दिल साफ रखो, क्योंकि हिसाब कमाई का नहीं, कर्म का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेज गति से जाने से बेहतर है सही रास्ते पर धीरे धीरे चलना। आज ही इन पांच चीजों को त्याग दें। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीदें लगाना, बीते वक्त में जीना, खुद को किसी से कम ना समझना, जरूरत से ज्यादा सोचना। आप जितना ज्यादा खास होने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप दूसरों के समान हो जाते हैं। असल में खास होने के लिए खुद बने, अपनी विशिष्टता को गले लगाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन का आनंद लें। दोस्तों के साथ दुख सुख जब समय बुरा हो तो मेहनत करना चाहिए, और जब समय अच्छा हो तो दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश ना हो, क्योंकि कचरे के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। ईमानदारी से कमाई गई रकम इंसान खाता है, और बेईमानी से कमाई गई रकम इंसान को खा जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी में इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। अगर कोई भी तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे धैर्य और ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस भी कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो। जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें अच्छे समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए और बुरे समय में धैर्य रखना चाहिए। हमें सिर्फ धन कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि दुआ भी कमानी चाहिए। हमें आज के समय का सदुपयोग करना चाहिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। जीवन में दुख और परेशानी एक आम बात है। हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी इनका अनुभव करता है। हालांकि इनका सामना करने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि उनके बारे में सोच सोच कर दुखी हो जाइए। इससे आपको और भी बुरा लग सकता है और आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। एक और तरीका यह है कि उन्हें ठीक करने के तरीकों के बारे में सोचा जाए। इससे आपको अधिक सकारात्मक और आशावादी महसूस करने में मदद मिल सकती है। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं कि जीवन में दुख और परेशानी का सामना कैसे करें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, भले ही वे नकारात्मक हों। उन्हें दबाएं नहीं या उन्हें दूर करने की कोशिश ना करें। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। अपनी भावनाओं के बारे में किसी से बात करने से आपको बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है। यह एक मित्र, परिवार का सदस्य, चिकित्सक या कोई अन्य विश्वसनीय व्यक्ति हो सकता है। अपने लिए कुछ समय निकालें। जब आप दुखी या परेशान हों तो अपने लिए कुछ समय निकालना महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसा करें जिससे आपको आराम और खुशी मिले, जैसे कि पढ़ना, संगीत सुनना या प्रकृति में घूमना। मदद लेने से ना डरें। यदि आप अपने दम पर अपनी भावनाओं का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो मदद लेने से ना डरें। कई संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे कि चिकित्सा, सहायता समूह और दवा। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि दुख और परेशानी हमेशा के लिए नहीं रहती है। वे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन वे आपको परिभाषित नहीं करते हैं। आप इनमें से गुजरेंगे और दूसरे ओर मजबूत बनेंगे। दोस्तों, जीवन की यात्रा में खुशियों और गमों का आना जाना लगा रहता है। वसंत की बहार आती है तो पतझर भी अपना दामन फैलाती है।
कभी तेज धूप निकलती है तो कभी घनघोर वर्षा होती है। उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख का सिलसिला चलता रहता है। ये कहानी उन लहरों से पार निकलने की प्रेरणा देती है जो हमें कभी कभी डुबोने का प्रयास करती हैं। एक छोटे से गांव में शीतल नाम की एक युवती रहती थी। शीतल स्वभाव से हंसमुख और मेहनती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनका सहारा बनकर खुश रहती थी। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक दुर्घटना में शीतल के माता पिता दोनों का निधन हो गया। शीतल अकेली रह गई। उसके सपने, उसकी खुशियां सब टूट सी गईं। वह गहरे गम में डूब गई। कुछ दिनों तक तो शीतल संभाल ही नहीं पाई। हर तरफ उसे अपने माता पिता की कमी खलती। रातों को नींद नहीं आती थी और दिन में भी वह उदास रहती। गांव के लोगों ने उसे ढाढ़स बंधाया पर शीतल का दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन सुबह शीतल अपने खेत में बैठी थी, सूर्योदय का नजारा देख रही थी। सूरज की किरणें पैरों की पत्तियों से छनकर आ रही थी। धीरे धीरे अंधेरा छंट रहा था और उजाला फैल रहा था। तभी उसे एक किसान खेत में हल चलाते हुए दिखाई दिया। वह बड़े ही मन लगाकर और लगातार काम कर रहा था। शीतल सोचने लगी कि यह किसान इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। उसने सोचा कि शायद उसके पास भी कोई ना कोई गम होगा, पर वह टूटकर नहीं बैठा है बल्कि हिम्मत जुटाकर काम कर रहा है। तभी शीतल को समझ आया कि दुख में डूबे रहने से कोई फायदा नहीं है। उसे भी अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करना है। उन्हें गर्व होना चाहिए कि उनकी बेटी हार नहीं मानती। शीतल ने उठकर अपने माता पिता की तस्वीर को प्रणाम किया और खेत की ओर चल पड़ी। शीतल ने उस दिन से कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वह खेतों में काम करने लगी। फसल उगाई, उसने बेची। धीरे धीरे करके उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया। उसने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का बीड़ा उठाया। गांव वालों ने भी उसकी मदद की। शीतल ने न सिर्फ खुद का घर संभाला बल्कि जरूरतमंदों की भी मदद करने लगी। कुछ सालों बाद शीतल गांव की एक सफल किसान बन गई। उसने अपने माता पिता की याद में एक स्कूल भी खुलवाया। शीतल की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। हर कोई उसकी हिम्मत और परिश्रम की तारीफ करता था। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, हमें आशा नहीं खोनी चाहिए। हमें परिस्थितियों से लड़ना सीखना चाहिए। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। हालातों ने मुझे वह बना दिया है जो मैं कभी नहीं बनना चाहता था। मैंने मुश्किलों का सामना किया है और सीखा है कि उनसे कैसे निपटना है। मैंने हर हालत में जीने का हुनर हासिल किया है। मुझे पता है कि किसी की मजबूरी या हालात का फायदा उठाना सही नहीं है। मुझे पता है कि जिंदगी को बदलने में समय लगेगा, लेकिन जब समय बदलता है तो जिंदगी बदल ही जाती है। मैं हमेशा ऐसा काम करने की कोशिश करता हूं कि हर कोई मुझे दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वे रंग लाती हैं तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। मुझे पता है कि जिंदगी में गम और तनाव होता है। मैं समझता हूं कि अच्छा या बुरा सिर्फ एक भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। मेरे लिए यह देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन मुझसे आगे है या कौन मुझसे पीछे। मेरे लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि कौन मेरे साथ है और मैं किसके साथ हूं। मैं खूबसूरती को कभी किसी के चेहरे में नहीं ढूंढता। मैं खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिल में ढूंढता हूं। जो कुछ भी मैंने हासिल कर चुका हूं उसके लिए मैं आभारी हूं। मुझे पता है कि अगर मैं उन चीजों के लिए आभारी नहीं हूं जो मेरे पास पहले से ही हैं, तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। मुझे पता है कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं। अगर गलतियां इंसानों से न हो तो वे भगवान बन जाएंगे। इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह गलतियां कर ही जाता है। मैं अपनी जिंदगी को कभी नहीं कोसूंगा। मुझे पता है कि अच्छे दिन खुशियां लाते हैं और बुरा समय अनुभव सिखाता है। सार्थक जीवन जीने के लिए दोनों की बहुत जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। मैं कभी भी किसी चीज की जबरदस्ती नहीं मांगूंगा। मुझे पता है कि जिंदगी में किसी का साथ जबरदस्ती नहीं जानी चाहिए। जब कोई खुद चलकर आता है तो उसमें खुशी कुछ और ही होती है। मैं संगत का विशेष ध्यान रखूंगा। मुझे पता है कि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जब मैं अकेला रहूंगा तो मैं अपने विचारों पर काबू रखूंगा। जब मैं सबके साथ रहूंगा
तो मैं अपनी जुबान पर काबू रखूंगा। मुझे पता है कि कोई भी रिश्ता जल्दबाजी में या दिखावे के लिए नहीं होता। रिश्ते आपसी समझ, विश्वास और प्यार से बनते हैं। श्री कृष्ण के कथन, समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। से प्रेरित यह कहानी एक युवक अर्जुन की यात्रा का वर्णन करती है। अर्जुन एक प्रतिभाशाली कलाकार था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। एक दिन एक प्रसिद्ध कलाकार विद्या ने उसकी कलाकृति की आलोचना की। अर्जुन को विद्या का अपमान सहन नहीं हुआ और उसने बदला लेने का मन बना लिया। वर्षों तक अर्जुन ने विद्या से बदला लेने की योजना बनाई। उसने अपनी कला में सुधार किया और प्रसिद्ध होने का प्रयास किया। अंत में अर्जुन को एक प्रसिद्ध कला प्रदर्शनी में अपनी कलाकृति प्रदर्शित करने का मौका मिला। प्रदर्शनी में विद्या भी मौजूद थी। अर्जुन को लगा कि अब बदला लेने का समय आ गया है। उसने विद्या के सामने अपनी कलाकृति का प्रदर्शन किया और उसे अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन विद्या ने अर्जुन की कलाकृति की प्रशंसा की और उसे प्रोत्साहित किया। विद्या के उदार व्यवहार से अर्जुन स्तब्ध रह गया। उस दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के कथन का अर्थ समझा। उसने महसूस किया कि बदला लेने की भावना उसे कहीं नहीं ले जाएगी। अर्जुन ने विद्या से माफी मांगी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आप अगले वीडियो में क्या देखना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण।